journalism is not terrorism. Each one of us who even wants to even associate with this profession doesn't wake up, then you might as well say journalism is dead. Mr. Modi, in his wisdom or lack thereof, said that we have a thriving media. He's right, we have a thriving media. We just don't have journalism any longer left in this country. Aur agar ye daur continue rehta hai, to ye fascism ki aagaat hai. Mere apne 40 साल के जर्नलिज्म में 24 घंटे के अंदर इतने ज़्यादा पत्रकारों पे पुलिस रेड और उनकी सारी डिवाइसेस ले लेना, उनके उन पे उनको डराना धमकाना, UAPA के में को लेके धमकाना, मैंने तो कभी अपने जर्नलिस्टिक करियर में नहीं देखा. ये एक तरह से शायद इमरजेंसी के टाइम इतनी तादाद में हुआ होगा. उसके इमरजेंसी के बाद अगर कोई इतनी इंटेंसिटी से पत्रकारों पे प्रहार हुआ है तो मेरे ख्याल यही हुआ है. इसके बारे तो सबको मालूम है क्या हो रहा है इस देश में. जो भी डिसेंट है, जो भी क्रिटिसिज्म सरकार का एग्जामिनेशन होना चाहिए मीडिया पे, उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश चल रही है. और ये रोक सिर्फ इंडिविजुअल तौर पर नहीं हो रही है. आप ये रोक तभी लगा सकते हैं जब आप इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करें. और तो खास करके ये जो न्यूज़ क्लिक वाले केस में सामने जो मामला आया है, उससे दिख रहा है क्या किस तरह से इंस्टीट्यूशंस के पीछे जाना है. क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे क्राइम क्या है, एक्शनेबल ऑफेंस क्या है. और हमें मालूम है कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है. जो भी सरकार बनाना चाहती है, बना के कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए वो रीजंस ढूंढती है, वो वही कर रही है इस केस में. जब पत्रकारों से जब सवाल किए गए तो उनसे जो है किस प्रकार के सवाल किए गए कि आपने ये किसान आंदोलन क्यों कवर किया, आपने जो कोविड पर जो है सरकार की आलोचना क्यों की, या जो दिल्ली में जो भयंकर दंगे हुए थे उस पर आपने क्यों रिपोर्टाज किया, तो इस टाइप के तो सवाल पूछे गए हैं उन जो है पत्रकारों से. और जबकि पब्लिक के सामने और FIR में भी ऐसी बेतुके बातें मतलब कह रहे हैं कि जो है चाइना से फंडिंग आता है. और तो ये जो दोहरा जो रूप है ये हमारी जो है सरकार को शोभा नहीं देता है. अगर वो अपने आप को सबसे जो विश्व का सबसे ताकतवर लोकतंत्र जो है मानकर अपने आप को देती है, खिताब दे रही है सरकार, तो ये जो एक तरफा जो इंक्वायरी हो रहा है और जो इंटिमिडेशन जो है मीडिया को डराने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही निंदनीय है. They have used anti-terror laws against journalists and those who are controlling small media houses, and they are doing it in the pretext of trying to control anti-India activity. There is nothing anti-India about NewsClick's journalism. NewsClick's journalism has been exceptional. It has responded to events as they have happened. It has been a beacon of the free press. जब आप मीडिया पे हमला करते हैं तो ये हमला मीडिया पे तो होता ही है, लेकिन लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों से हमें गारंटी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, तो इसका हमला आपने संविधान पे भी किया और इसके लोकतंत्र संकट में है. जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले कहा था कि डेमोक्रेसी इज इन पैरल, संकट में है. आज वही घड़ी आ गई कि आपने मीडिया को कुचलने की, रौंदने की, जैसे न्यूज़ क्लिक पर उसके जितने भी जो जर्नलिस्ट थे, उसके उनके जो एडिटर थे, उस पर जिस ढंग से हमला किया, उनको जेल में डाला हुआ है. तो ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि आप लोकतंत्र, जैसा भी लोकतंत्र इस समय है, एक जिसे बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में, जो ऐसा भी एक लिबरल डेमोक्रेसी है, उसको भी आप कुचलने पर आमादा हैं. अरे इतने बड़े बड़े संगठन हैं मीडिया में और कहाँ से क्या फंडिंग लाते हैं उस पर तो आप तो कुछ पूछताछ नहीं करते हैं. लेकिन एक मीडिया है जो इस सवाल के कुछ जो है पॉलिसी इश्यूज पर सवाल उठाते हैं, उसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाते हैं. जर्नलिस्ट का तो पूरे सोर्सेस, उसका पूरा लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ उस मोबाइल फ़ोन या वो लैपटॉप में होता है. उसके बाद अगर आप वो पूरा उठा के ले जाती हो बिना प्रोसीजर के, और देशों में और डेमोक्रेसीज में जुडिशियल ऑर्डर लाना पड़ता है, और उसके बगैर आप मोबाइल
या डिवाइसेस नहीं ले जा सकते, उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिया में अभी तक कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर नहीं है। लोगों का लाइवलीहुड के ऊपर भी अटैक है, बहुत लोग लैपटॉप से ही अपना कॉपी लिखते हैं, कभी लिख नहीं पा रहा है, जर्नलिज्म का काम नहीं कर पा रहा है, जिसके बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है। हम डिमांड कर रहे हैं तुरंत इसको वापस करें। पुलिस तो देख सकती है मोबाइल और लैपटॉप देखने के बाद, इतना दिन रोकने का कोई कारण तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आजकल अगर इंडिया है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में तो ये छोटी सी बात है किसी लैपटॉप मोबाइल को इंटरसेप्ट करके किसी इंफॉर्मेशन देना। वो डिवाइस का सीज करने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि पत्रकार के पास ये डिवाइस रहे। Why is the government doing this? Because in the end, journalism dies not one journalist at a time, but it dies one institution at a time. We often dwell on bylines, anchors, investigative stories, but journalism survives only as long as institutions survive that can support it, let it run, and provide a platform in which it can be done. And this choking of institutions is one of the most critical facts of our democracies. We are looking at a very, very grim situation. As Hartosh said, any book you read, any article you read by well-known scholars, historians, who tell you what are the various points leading up to a fascism of the Nazi kind, that those factors are all there. Those factors are all there. They're staring us in the face. But we all know what it means when communication devices are seized by a government whose investigative agencies stand accused of planting forensic evidence in cases like Bhima Koregaon. We know where this is likely to lead. Under these circumstances, and we all understand what these problems are, the question is, where do we stand? What do we need to do? This is not a democratic government. This is a tyranny. And all of us have to fight it. If the government thinks that we will get tired and we will go, no, this is going to grow. A day will come that we will be able to call journalists from all over India to make a massive rally. We are not going to give up. We have to reiterate whatever we are doing. We have to keep saying what we are doing, and we cannot give up on the struggle that we must have to wage, not just on behalf of news clicks or a few journalists, but on journalism itself, because the assault is on journalism.